आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के दूसरे T20 मैच में इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत प्राप्त की। इंडिया इस मैच में 65 रन से जीत गया, जो कि एक बहुत बड़ी जीत है। बल्लेबाजी में सीनियर प्लेयर्स ना होते हुए भी भारत यह मैच एक बड़े अंतर से जीत गया। सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी ने भारत के स्कोर को 190 के पार पहुंचा दिया। इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। ईशान किशन ने थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन सूर्य कुमार यादव को छोड़कर बाकी कोई भी बल्लेबाज कुछ कमाल नहीं कर पाया। सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंदों में 111 रन की पारी खेली और यह उसका दूसरा शतक था। उसने अपने बल्लेबाजी में 11 चौके और 7 छक्के उड़ाए। ऐसा लग रहा था कि वह किसी अलग और बाकी टीम किसी अलग पिच पे खेल रही है। पहले भी जब इंडिया स्ट्रगल कर रही होती है तो अकेले सूर्य कुमार यादव ही टीम की नैया पार करवाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे न्यूजीलैंड वर्सेस सूर्य कुमार यादव का मैच चल रहा है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स ईशान किशन ने 36, पंत ने 6, श्रेयस अय्यर ने 13, हार्दिक पांड्या ने 13, दीपक हुड्डा और वाशिंगटन सुंदर 0 रन बनाकर आउट हो गए। अकेले सूर्य कुमार यादव ही अंत तक डटे रहे। उसी की ही बदौलत इंडिया 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बना पाई। सूर्य कुमार यादव की इस पारी को हमेशा याद रखा जाएगा। गेंदबाजी में सऊदी ने 4 ओवर्स में 34 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वहीं लॉकी फर्ग्यूसन ने 4 ओवर्स में 49 रन दिए और 2 विकेट लिए। अब न्यूजीलैंड के सामने एक विशाल 192 का लक्ष्य था, लेकिन बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम कुछ खास नहीं कर पाई। पूरी की पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। 18.5 ओवर में केवल 126 रन बनाकर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। फिन एलन पहले ओवर में ही शून्य में आउट हो गए थे। अकेले न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन 61 रन के निजी स्कोर पर वो भी मोहम्मद सिराज का शिकार हो गए। बाकी न्यूजीलैंड की विकेट्स लगातार गिरती रही। 19वें ओवर में दीपक हुड्डा ने न्यूजीलैंड के आखिरी के 3 विकेट भी चटका दिए और मैच को अपने कब्जे में कर लिया। अब 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे चल रहा है, क्योंकि पहला मैच बारिश से धुल गया था। अब इस सीरीज का थर्ड और लास्ट T20 22 नवंबर को खेला जाएगा। हमें उम्मीद है इंडिया वो भी मैच जीतेगी, लेकिन हमारे बल्लेबाजों को परफॉर्म करना पड़ेगा। हर बार ये नहीं होगा कि अकेले सूर्य कुमार यादव ही रन बनाते चले जाएं। T20 वर्ल्ड कप में भी अकेले सूर्य कुमार यादव ही फॉर्म में लग रहे थे। जिस मैच में उसने अच्छा खेला वो मैच इंडिया जीता, लेकिन जिस मैच में वो जल्दी आउट हो गए वो मैच भारत हार गया था। इसीलिए बाकी बल्लेबाजों को भी परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि इंडिया आगे चलकर अच्छा प्रदर्शन करे। फ्रेंड्स, ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।